लखनऊ डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना पीजीआई पुलिस को मिली सफलता, तीन वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। क्राइम टीम व पीजीआई पुलिस ने तीन शातिर चोरों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त फहीम, दीपक, आमिर के पास से पुलिस ने 18 जोड़ी पायल, 5 अंगूठी, 3 चैन पीली धातु व कई चोरी के सामान व एक चार पहिया वाहन को किया बरामद। पुलिस द्वारा बताया गया, पकड़े गए अभियुक्त में से मेन सरगना फहीम हाशमी उर्फ गाजी पर पहले से दर्ज है गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी किया सारा सामान पुलिस द्वारा किया गया बरामद। पकड़े गए चोरों ने लखनऊ के कई स्थानों पर दिया था चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस ने शहीद पथ के किनारे से चोरों को किया गिरफ्तार। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। तीन साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं, किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देते थे और कैसे किया इनकी गिरफ्तारी? ये पीजीआई थाना क्षेत्र से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो एक गैंग बना करके घरों में चोरी करने का काम करते थे। इसमें कमिश्नर महोदय की क्राइम ब्रांच टीम और पीजीआई थाने की टीम ने मिलकर के बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसमें से जो गैंग का सरगना गाजी है, इसके ऊपर पूर्व से एक दर्जन अभियुक्त पंजीकृत थे। इन सभी के द्वारा वर्तमान में जेल से आने के बाद चार घटनाएँ करी गई हैं, जिसमें से तीन घटनाएँ थाना पीजीआई क्षेत्र से संबंधित हैं और एक घटना मड़ियाव थाना क्षेत्र की है। इन चोरियों में ये लोग जो तालाबंद मकान होते थे उनका ताला तोड़ करके अंदर जाके इन घरों में चोरियां करते थे। इनके द्वारा जो भी सामान इनमें से चुराया गया, मुख्य रूप से जेवरात और कुछ पैसे, ये इनके पास से बरामद हुआ है। जो संबंधित जो भी वादी हैं इनके मुकदमों को, उनको दिखा के उसकी पहचान कराई जा रही है। साथ ही इनके कब्जे से एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है, जिसका प्रयोग ये इन तरह की घटनाओं में करते थे। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं और कितने लोग इनकी टीम में शामिल हैं? ये वर्तमान में इनका गैंग तीन लोग का है, जिसमें से इनका सरगना गाजी है, बाकी दो अन्य लड़के अभी इसके साथ में नए शुरू किए हैं। ये लोग इनका हाल पता निषादगंज मार्केट के पास में फातिमा हॉस्पिटल के पीछे है, जहाँ पर ये तीनों रहते हैं। इनमें से दो अभियुक्त महमूदाबाद थाना सीतापुर के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त यहाँ अलीगंज का मुख्य रूप से रहने वाला है। सर, ये लोग जो जेवरात चुराते थे, ये कहाँ पर बेचते थे? इन लोगों ने बताया कौन इनको खरीदता था, क्या उनकी भी पूछताछ के लिए उनके पकड़ने के लिए कुछ किया जा रहा है? वर्तमान में जो भी इन्होंने चोरियां करी थी वो चीजें इनके पास से बरामद हो गई हैं, तो अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि क्या इसको किसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। ये जो कार यूज करते थे चोरी की थी या ये गाड़ी इन्होंने जो भी अपराध किए हैं उससे पैसे से अपने नाम पर की थी? सर, दीपक और मोहम्मद पे कार्रवाई होगी? जो दीपक शर्मा गाजी है, गाजी के ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई हो चुकी है। दीपक और इनके दूसरे साथी के ऊपर अब कार्रवाई हम लोग आगे गैंगस्टर करेंगे।